तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और बेसिकली ये वीडियो हमको दोबारा बनाना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। पहली बार में हम बहुत कुछ बोल गए हैं, लेकिन मेरा माइक डिसकनेक्ट था। हम ध्यान नहीं दिए कि भाई मेरा माइक डिसकनेक्टेड है, और बेसिकली यही हुआ कि मतलब सारा का सारा जो है सो वीडियो कम्प्लीट हो गया, लेकिन रिकॉर्ड उसमें कुछ भी नहीं हुआ मेरा वॉइस। तो ये वीडियो इसलिए हम दोबारा बना रहे हैं। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे जो है सो गेमिंग कर सकते हैं अपने उबुंटू सिस्टम पे। ऑलमोस्ट सभी गेम आप जो है सो अपने उबुंटू सिस्टम पे चला सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी का सभी गेम, ठीक है। पबजी भी चला सकते हैं, लेकिन पबजी के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको पता होगा पबजी पीसी ख़रीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। ख़रीदने के लिए तो कुछ किस कोई भी चीज़ खरीदेगा तो पैसा देना पड़ेगा। हाँ, तो चले शुरू करते हैं। आपको अपना ट्यूटोरियल जो है सो स्टार्ट करना है ब्राउज़र ओपन करने से। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, हम फिलहाल क्रोम यूज़ कर रहे हैं। तो ब्राउज़र ओपन कीजिए और वहाँ पर टाइप कीजिए स्टीम। अगर आप, हो सकता है बहुत लोग आप में से पता होगा स्टीम क्या है। पहले स्टीम जो है सो विंडोज़ पे था और मैक ओएस पे था, लेकिन लिनक्स में नहीं था, लेकिन अब लिनक्स में आ चुका है। तो बेसिकली आप स्टीम ओपन कीजिए और उसके बाद जो है स्टीम का वेबसाइट आप देख लीजिएगा कि स्टीम जब आप टाइप कीजिएगा गूगल पे ना, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे ही स्टीम का वेबसाइट आ जाता है। जनरली वो उसका यूआरएल होगा store.steampower.com, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप जो है सो यूआरएल में टाइप कर सकते हैं store.steampower.com, सीधे टाइप कीजिएगा और ये वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। ये वेबसाइट खुलने के बाद अगर आपको देख पा रहे होंगे तो राइट अपर कॉर्नर पे इंस्टॉल स्टीम का ऑप्शन है, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये थोड़ा लोड होने में ये पेज टाइम लगेगा, इसलिए पहले से हम प्रीलोड करके रखे हुए थे, पता नहीं क्यों टाइम लेता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं इंस्टॉल स्टीम का ऑप्शन आ गया। अगर आप उबुंटू से चला रहे हैं आप, तो किसी भी आप उबुंटू से चला रहे होंगे क्योंकि उबुंटू का ही ट्यूटोरियल है ना। तो उबुंटू से अगर आप चला रहे होंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टॉल स्टीम का ऑप्शन आएगा, लेकिन ये ऑल्सो अवेलेबल है विंडोज़ और मैक ओएस पे। यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं कम्प्लीटली। तो बेसिकली हम लोग को बात करना है अभी उबुंटू पे कैसे इंस्टॉल करना है। तो उबुंटू पे इंस्टॉल करने के लिए सीधे इंस्टॉल स्टीम पे जो है सो क्लिक कीजिए। यहाँ पे सेव फाइल का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे 2.7 MB का आ गया, MB का ये फाइल है, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करना है। बेसिकली मेरे पास विंडोज़ ऑलरेडी है, तो हम स्टीम इंस्टॉल नहीं करने वाले उबुंटू पे। हम उबुंटू का यूज़ करते हैं जनरली प्रोग्रामिंग के पर्पस के लिए और गेमिंग के लिए। मेरे पास ड्यूअल बूट में है लैपटॉप, तो हम बेसिकली यूज़ करते हैं विंडोज़, ठीक है। तो स्टीम इंस्टॉल करने के बाद उसको आप डबल क्लिक कीजिएगा या फिर सिंगल क्लिक, जो भी होता है। उस डबल क्लिक करने के बाद आपका डेबियन पैकेज मैनेजर ओपन होगा, उसमें आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और वो बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा 2.3 MB का फाइल। उसके बाद आप उसको लॉन्च कीजिएगा, ठीक है। आप जाइए, कहीं भी जाइए, सर्च बार पे जाइए, स्टीम टाइप कीजिएगा। मेरे में तो नहीं है, लेकिन आप में होगा। तो स्टीम जैसे ही टाइप कीजिएगा वो स्टीम ऊपर में ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये मत कहिए कि मतलब हम जो आपको करके नहीं दिखा रहे हैं तो हम कभी किए नहीं हुए। एक्चुअली में हम जो है सो अपना ये उबुंटू सिस्टम दोबारा से इंस्टॉल किए हैं। एक्चुअली में हम अब डुअल ब्यूट में यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ और उबुंटू साथ में। तो जब मेरे पास सिर्फ उबुंटू था ऑलरेडी पहले, तब हम स्टीम यूज़ किया करते थे, लेकिन अब हम दोनों ही यूज़ करते हैं, विंडोज़ और स्टीम। बहुत साल तक हम पहले विंडोज़ यूज़ किए, उसके बाद लगा कि यार चेंज करना चाहिए, तो हम उबुंटू यूज़ किए। लगभग एक साल तक हम उबुंटू यूज़ किए हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर, मतलब बिना किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बाद हम ड्यूअल बूट कर लिए दोनों को साथ, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ जाता था विंडोज़ का, कभी कभी इसका, तो कभी कभी उसका, इसलिए हम दोनों ही रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस पे हम गेमिंग नहीं करते हैं, इसलिए हम इंस्टॉल नहीं किए हैं बेसिकली। तो बेसिकली आप उसको जब क्लिक कीजिएगा ना, तो इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आप उस पर सर्च बार पे सर्च कीजिएगा स्टीम। मेरे में नहीं आएगा क्योंकि हम इंस्टॉल नहीं किए, लेकिन आप में आ जाएगा। और उसके बाद आपका, और एक बात और, ये जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं ये उबुंटू ही है, इसको हम कस्टमाइज़ किए हुए हैं, मैक ओएस की तरह दिख रहा है। तो अगर आपको जानना है कि हम ऐसा कैसे किए हैं, तो आप मेरे चैनल पर वीडियो जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी होगा। एकदम सिंपल तरीके से हिंदी में समझाया, अगर आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, जनरली आपको इंग्लिश में मिलेगा और ठीक से साथ में साथ क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ, या तो बिना किसी लैंग्वेज के मिलेगा, एकदम क्या बोलते हैं गूंगा होके जो है सो वीडियो बनाने वाला मिलेगा, समझ गया ना बात। तो ऐसा अगर आपको पूरी तरीके से एलैबोरेट करके बताया, तो आप जाकर मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली आपको यही करना है कि उसको इंस्टॉल करने के बाद आप उसको डबल क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको जो है सो, जैसे पबजी इंस्टॉल करते हैं, तो पबजी इंस्टॉल करने के बाद जो है सो आप डबल क्लिक करते हैं या फिर ओपन करते हैं उसको, तो कुछ देर के लिए डाउनलोडिंग लेता है, लगभग 1 GB का फाइल या डाउनलोड करता है ना। तो वैसे ये भी कुछ
200 MB या 400 MB के पास, पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन हमको याद नहीं है कितना MB, लेकिन कुछ 100 MB डाउनलोड करेगा वो, या कुछ GB, 1-2 GB ज़्यादा नहीं डाउनलोड करेगा। उसके बाद स्टीम कम्प्लीटली आपके सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट बनाना है स्टीम पे, जैसे फेसबुक अकाउंट बनाते हैं वैसे, या फिर अगर आपका स्टीम का ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। जब ये प्रोसीजर हो जाए तो उसके बाद आपको करना ये है कि आपको बेसिकली गेम्स कोई भी आप चूज कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब बात करते हैं, एक्चुअली ये तो बात हो गया इंस्टॉल करने का, गेम इंस्टॉल कर लिए, गेम चला लिए, अब बात करते हैं सिस्टम्स का, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए, मिनिमम i5 प्रोसेसर होना चाहिए, और साथ में DDR3 रैम भी चलेगा, और साथ में कोई ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए कम से कम 2 GB, ठीक है। हम इसलिए बोल रहे हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये इसका, क्योंकि कोई भी गेम टाइप कीजिएगा, मतलब स्टीम पर ज़्यादातर गेम जो है सो 8 GB से कम में रैम चलता ही नहीं है। ये उसमें साफ साफ लिखा होगा उसे स्टोर में कि 8 GB, वैसे ये विंडोज़ पे भी अप्लाई होता है, सिर्फ लिनक्स पे ही नहीं, कि आप में 8 GB मिनिमम होना ही चाहिए गेमिंग के लिए। लेकिन अगर आप जो है सो कहिएगा कि भाई मेरे पास, हम उतना कैपेबल नहीं है, हमारा आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है, मेरे पास एक 24,000-25,000 का लैपटॉप है, i3 है, जिसमें कि 24,000 से 30,000 के बीच में या 31,000 के बीच में जो है सो i3 दे देता है। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो 24,000 में मिल जाएगा, नहीं अच्छा रहा तो 31,000-32,000 लगाइए। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास i3 प्रोसेसर है लेकिन फिर भी अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लो सेटिंग पे जो है सो करना पड़ेगा। मेरे पास i3 लैपटॉप है ऑफकोर्स, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो चेक कर सकते हैं हम किस लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, उसमें कितना क्या स्पेसिफिकेशन हम दे के रखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो कहने का मतलब कि हम कैसे किए, तो हम एक्चुअली में क्या किए, पहले हम काउंटर स्ट्राइक इंस्टॉल किए, सबसे पहले डेमो के लिए। काउंटर स्ट्राइक बहुत फेमस गेम है, अपने ज़माने का हीरो था वो, तो काउंटर स्ट्राइक हम इंस्टॉल किए। काउंटर स्ट्राइक जब इंस्टॉल किए तो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट शायद 8 GB की 4 GB था। तो जब हम उसको ओपन किए ना, जब रन किए, जब कोई भी एक मैप चूज कर लिया, जब रन किए तो इतना ज़्यादा पूरा का पूरा मेरा 4 GB भर गया, और उसके बाद 100 पार्टीशन में भी 2-3 GB चला गया। अब बात बताओ, आपको अगर पता होगा कि 100 पार्टीशन क्या होता है, 100 पार्टीशन बेसिकली वो होता है कि कभी कभी आप प्रोग्राम रन करते हैं तो उस प्रोग्राम को बंद ना होने दे, अगर एक्सेस रैम यू मतलब इनफ रैम नहीं है तो जो है सो उसको हार्ड डिस्क को रैम की तरह यूज़ करने लगता है, और उसी पार्टीशन को 100 पार्टीशन बोलते हैं। जनरली 4 GB 8 GB आदमी जितना होता है और उसका ओरिजिनल रैम उतना ही 100 पार्टीशन जनरली आदमी देता है। तो कहने का मतलब 100 पार्टीशन में जो है सो डाटा चला गया 3-3 GB, समझ गया, मतलब पूरा 8 GB हो ही गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हार्ड डिस्क आपका यूज़ कर रहा है रैम के थ्रू, तो आपका हार्ड डिस्क स्लो हो जाएगा। जब स्लो हुआ तो गेम रन ही नहीं किया, हमको बंद करना पड़ गया गेम। उसके बाद हम बहुत देर सोचते रह गए यार क्या करें। तो उसके बाद हम गेम्स का सेटिंग सब लो कर दिए, शैडो हटा दिए, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स वाला चीज़ होता है सबको हटा दिए। गेम तो ऑलरेडी लो सेटिंग पे था, लेकिन सब जो हटाए ना, तो तब जाकर रन किया, लेकिन फिर भी 2 GB जो है सो 100 पार्टीशन का जो है सो यूज़ कर रहा था। तो आप अगर आपके पास 24,000 का लैपटॉप है या 25,000-30,000 का, अगर आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है, अगर आपके पास लो एंड लैपटॉप है, तो आप क्या कीजिए कि चुपचाप 2-3 हज़ार में आपको एक SSD दे देगा 128 GB का, उसको ख़रीद लीजिए, और 128 GB SSD में बेसिकली आप इंस्टॉल कर लीजिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम Ubuntu या विंडोज, जो भी आप विंडोज़ के लिए भी जो है सो अप्लाई होता है ये चीज़ कि आपको मिनिमम 8 GB चाहिए, तो आप SSD खरीद लीजिए। SSD से ये होगा कि मतलब बेसिकली आपका जो है गेम फास्टर लोड होगा, और बहुत सारा एप्लीकेशन आपको मतलब कहें ना एक्सपीरियंस बेटर होगा, आपको एक सिस्टम का जो है सो पावर बढ़ जाएगा। और टेक्निकल डिटेल में मत जाइए उतना, लेकिन SSD खरीद लीजिए जो भी हो। और दूसरा बात ये होता है कि जब भी आप i3 प्रोसेसर खरीदिएगा 4 GB रैम वाला लैपटॉप, तो उसके साथ क्या कहते हैं 2 SATA केबल देता है, मतलब 2 SATA, तो पहला में हार्ड डिस्क होता है और दूसरा ओपन होता है, मतलब खाली होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली आप में एक में SSD लगा लीजिएगा, एक में हार्ड डिस्क लगा लीजिएगा, और SSD वाले में ओपन सिस्टम रख लीजिएगा, और जो आपका अनदर फाइल है म्यूज़िक वीडियोज मूवी जो भी है वो अपना हार्ड डिस्क में रख लीजिएगा, और गेम इंस्टॉल कीजिएगा SSD में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं रैम का। रैम तो 8 GB चाहिए ही चाहिए, 4 GB है आपके पास लो सेटिंग्स में, हम कैसे भी करके चला तो लिए गेम को,
लेकिन एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। तो उसको आप जब गेम बंद किए तो उसके बाद पूरा सिस्टम हैंग होने लगा, ठीक है। तो ये हो जाता है क्योंकि रैम को यूज़ कर, एसएसडी को यूज़ कर, सॉरी हार्ड डिस्क को यूज़ कर रहा था रैम की तरह, तो ऑब्वियसली हार्ड डिस्क स्लो हो जाएगा तो आपका जो है सो हैंग करने लगेगा सिस्टम। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो गेम जब चलाते थे तो गेम बंद करने के बाद मेरा सिस्टम हैंग करता था, रिबूट करना पड़ जाता था, तो रिबूट करने के बाद फिर नॉर्मल हो जाता था। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि एक एसएसडी खरीद लीजिए। दूसरा चीज़ कीजिए कि दूसरा एक फ़ायदा होता है जो भी 4 GB रैम वाले लैपटॉप होते हैं उसमें, कि उसमें 2 स्लॉट देता है जिसमें से 1 स्लॉट में चार्ज भी होता है, 1 स्लॉट खाली होता है। आप 2 से 3 हज़ार रुपया लगाइए, आपको जो है सो सेम टू सेम रैम जो है आप खरीद लीजिए। आप खुद से नहीं खोज खाँच कीजिएगा कि मतलब यार हम खुद से खरीद लिए, खुद से लगा लिए, कोई भी रैम 4 GB का उठा लिए, खरीद लिए, लगा लिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास 4 GB DDR4 है तो 4 GB DDR4 ही दूसरे स्लॉट में लगना चाहिए। 8 GB DDR4 नहीं लगा सकते हैं या 2 GB DDR4 नहीं लगा सकते हैं। एग्जैक्टली सेम टू सेम होना चाहिए आपका रैम का स्पेसिफिकेशन, समझ गए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप जो है सो उस जो भी जिस कंपनी का लैपटॉप है उसके सर्विस सेंटर में जाइए, सर्विस सेंटर या कह लीजिए उसके क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टोर में, हाँ उसके स्टोर में जाइए और बेसिकली कहिए कि हमको रैम अपग्रेड करना है। वो बेसिकली कर देगा, कुछ पैसा लेगा कर देगा। और हम कुछ बोलने वाले थे एक्चुअली में, हाँ तो वो अपग्रेड कर देगा आपका। उसके बाद आपका जो है सो सिस्टम अपग्रेड हो गया, 4 से 8 GB हो गया। और खुद से करने का एक और नुकसान है कि मतलब आपका जो है सो जब खुद से अपग्रेड करने का कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत सारे लैपटॉप में होता है, बहुत सारे कंपनी लैपटॉप, ज़्यादातर कंपनी में, कि आप जो है सो पूरा का पूरा अति सिस्टम खोलना पड़ता है और उसके बाद आपका जो है सो वारंटी चला जाता है, वारंटी गारंटी जो भी हो जो है सो चला जाता है क्योंकि आप सिस्टम खोल देते हैं। जनरली डेल लैपटॉप में तो पूरा ही सिस्टम ही खोलना पड़ता है, डेल का जितना नया आ रहा है उसमें ऊपर से पीछे से बैक कवर नहीं होता है कि आप उसको ऊपर ओपन किए और खटाक से रैम डाल दिए हो गया। आपको पूरा का पूरा सिस्टम खोलना पड़ेगा, कीबोर्ड पूरा का पूरा, तो अपग्रेड करने के लिए रैम। तो बेसिकली आप किसी ऑथराइजेशन मतलब जो उसका जो सर्विस सेंटर है या स्टोर है उससे ही करवाएं, जिससे आपका गारंटी बचा रहेगा, वारंटी गारंटी जो भी है। हो गया 8 GB। और इसीलिए कभी भी लैपटॉप जो है सो 8 GB का नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप 8 GB का लैपटॉप खरीदते हैं रैम वाला तो बेसिकली उसमें दोनों स्लॉट ही जो होता है ऑलरेडी फुल होता है, कोई भी स्लॉट खाली नहीं देता है। तो यही एक जो है नुकसान हो जाता है कि दोनों स्लॉट जो है भरा रहता है 8 GB रैम वाले प्रोसेसर में, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप गेम रन कर रहे हैं तो प्रोसेसर आप में ड्यूअल कोर 2 GHz मिनिमम हो, यानी कि i3 का ज़्यादातर जो है सो CPU सपोर्ट कर लेता है, वो ज़्यादातर CPU 2 GHz के आसपास ही होता है, 2 GHz मिनिमम चाहिए। और रिकमेंडेड है कि मतलब आप i5 ही रखिए, लेकिन अगर आप i3 पे ही चलाना चाहते हैं तो ठीक है। दूसरा चीज़ आपको जो मस्ट रखना है ग्राफिक्स कार्ड बढ़िया होना चाहिए, इंटेल का कोई भी SD ग्राफिक्स कार्ड जो भी हो, बढ़िया वाला ग्राफिक्स का मिनिमम 2 GB मेमोरी होना चाहिए ग्राफिक्स में, तो गेम बढ़िया चलेगा, ठीक है। बढ़िया नहीं, लो सेटिंग पे चलेगा, बढ़िया क्या। तो यही सब रिकमेंडेशन था, अगर आप स्ट्रीम से डाउनलोड कर रहे हैं गेम तो यही सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था हम आपको बता दिए हैं। ऐसा नहीं कि आपको सीधे हम इम्पोर्टेंट मतलब तरीका बता दिए और आप जो है सो फंस गए कि यार चल नहीं रहा है गेम, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है। तो इसलिए हम आपको पूरा तरीका बता चुके हैं A to Z कि आपको एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या क्या करना है। बहुत हो गया यार, लंबा हो गया मेरे ख्याल से वीडियो, पता नहीं कितना लंबा हो गया है, देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 13 मिनट का हो गया। तो यही सब था बेसिकली, और कुछ नहीं था। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, एक और बात, अगर आप वंडर कर रहे हैं कि ये जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उबुंटू है या नहीं, तो बता दे ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू है, लेकिन दिखने में लग रहा है मैक OS की तरह एग्जैक्ट, इसलिए क्योंकि हम इसको कस्टमाइज़ किए। अगर आपको जानना है कि उबुंटू सिस्टम को कैसे मैक OS की तरह दिखाना है, देख सकते हैं, उबुंटू 18.10 है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर ट्यूटोरियल देख सकते हैं। हम अगर आप YouTube पर सर्च मारिएगा तो आपको ऑब्वियसली ट्यूटोरियल आएगा, तो लेकिन इंग्लिश में आएगा और साथ में साथ ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आएगा, इजीली कोई नहीं समझाया है। तो हम समझ सकते हैं कि इजीली कोई नहीं समझाया, इसलिए हम बहुत ही इजीली हिंदी में एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं एग्जैक्टली आपको पूरा का पूरा जो सिस्टम कैसे चेंज करना है, क्या कहते हैं, मैकोएस की तरह। इसका लॉक स्क्रीन भी हम मैकोएस की तरह चेंज कर रहे हैं, देखें मैकोएस की तरह है ना, ये भी जो है मैकोएस की तरह ही है, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम का सब चीज़ लगभग मैकोएस की तरह।
हाँ मैक ओएस के तहत चेंज कर दिया। तो मिलते हैं आपसे, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं कंप्लीटली आप पे है। और तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत पीस।